आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित समस्त महानुभावों एवं साथियों को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि भारतीय सूचना सेवा 2018 सत्र के 22 प्रशिक्षु अधिकारियों में से मुझे भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में इस सभा को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं मनुप्रिया देश की राजधानी दिल्ली से संबंध रखती हूँ। 12 वर्ष तक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य विशेष में स्नातक किया। इस संस्थान में अध्ययन के दौरान मुझे देश के लगभग हर राज्य से आए हुए छात्रों से देश की विविधता से अवगत होने का मौका प्राप्त हुआ। महोदय, मेरे पिता ने केंद्र सरकार में अधिकारी होने के नाते सरकारी कार्यप्रणाली को समझते हुए मुझे सदैव प्रोत्साहित किया कि मैं सरकार के नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन में अपना योगदान दूं। इसके लिए मैंने सिविल सेवा परीक्षा को चुना व भारतीय सूचना सेवा में चयनित हुई। अपने परिवार से इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली सदस्य होना मेरे परिवार के लिए बेहद गर्व का विषय है। महोदय, जिस विविधता को मैंने कॉलेज में अपनी सहपाठियों से जाना था, उसे ज़मीनी स्तर पर देखने का सुअवसर हाल ही में हुए भारत दर्शन के दौरान मिला। इन 21 दिनों में मैंने महसूस किया कि देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं होते हुए भी किस प्रकार केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया में सही सूचना को उचित समय पर लोगों तक पहुंचाने में हम सूचना अधिकारी के रूप में अहम योगदान दे सकते हैं। सूचना के आदान प्रदान में आज डिजिटल मीडिया एक अहम संसाधन बन चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैलाई गई एकमात्र अफवाह भी देश के हित के विरुद्ध जा सकती है। इसी के मद्देनज़र सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने में हमें सक्षम बनाने का प्रयास किया गया। प्रशिक्षण के दौरान हमने पूर्वोत्तर के प्रहरी असम राइफल्स के साथ जुड़कर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी नज़दीक से देखा व समझा। भौगोलिक दृष्टिकोण से अति विषम परिस्थितियों में स्थित देश के पूर्वोत्तर को भारत के अन्य भागों से जोड़े रखने में सही सूचना प्रणाली का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, एक जिम्मेदार नागरिक एवं अधिकारी होने के नाते मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने सेवा काल में सही सूचना को समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करूं। अंत में मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूं कि देश में क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय, भाषा संबंधी विविधताएँ होने पर भी माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं एक सशक्त संविधान के मार्गदर्शन में आज हमारा देश एक विश्व शक्ति होने की तरफ अग्रसर है। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज एंड माय फेलो कॉलीग्स, नमस्कार। आई विकास नारायण, ऑफिसर ट्रेनी ऑफ द 2018 बैच ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, आई एम प्रिविलेज्ड टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग। आई रिमेंबर हैविंग सीन द मैग्निफिसेंट राष्ट्रपति भवन फ्रॉम आउटसाइड व्हेन आई केम टू दिल्ली इन 1996 as a four-year-old on a family trip. Today, in this year, celebrating the 150th birth anniversary of the father of the nation, I'm standing inside this hallowed building. It is an honor and a matter of immense pride. I hail from Bihar, but have spent years across India due to the transferable nature of my father's job. I did my schooling in Patna and Navi Mumbai and graduated in law from National University of Juridical Sciences, Kolkata. I have seen how diverse our country is, and I admire the founding fathers for their grit and determination to bind this country into one. Civil services, working under the esteemed guidance of the Honorable President, is important for upholding the unity and integrity of our country. I have considered and will always consider the line mentioned in the offer of appointment: "The President is pleased to offer you an appointment in the Indian Information Service as a badge of honor." I am the first civil servant in my family, and my family, especially my grandparents, are extremely proud of it. During my law school, I had interned with an NGO in Mumbai, working in the field of slum rehabilitation. The experience was enlightening as I witnessed the challenges involved in the provision and delivery of public services to those who need them the most. I was inclined to become a part of the administrative setup and work towards public service. Now, after being selected for the Indian Information Service, I have the golden opportunity
to work in the field of government communication. Communication, especially two-way communication, is the key for successful governance. The government must know what the public needs, and the public must be aware about what the government is doing. Indian Information Service is the quintessential link in this two-way communication. I would like to share my experience during our attachment for the 2019 Lok Sabha election. I was attached with the Chief Electoral Officer of Uttar Pradesh. I got the opportunity to be involved in the organizing of elections in the biggest state at the very beginning of my career. I saw how the citizens cherished their right to vote and are proud of the democratic values of the Constitution. Under your esteemed guidance and able leadership, Honorable President, I will work to the very best of my caliber in accordance with the Constitution of India. To conclude, I would quote the revered Dr. B.R. Ambedkar, "A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society." Thank you. Jai Hind.